गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो आवर यूट्यूब चैनल एग्जॉटिक बर्ड्स एवरी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप देख ही रहे हो सामने वीडियो में, हॉलैंड के ऊपर होने वाला है। आज जो है हम इसके लिए कुछ चीज़ें परचेस किए थे जिसको कि ऑर्डर किया था, तो आज वो डिलीवर होने वाला है। तो आज उसी के ऊपर वीडियो है कि क्या चीज़ मैंने मंगाई थी बर्ड्स के लिए, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और उसको आपको बनाकर दिखाएंगे कि उसे कैसे कितनी जल्दी असेंबल किया जा सकता है, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं इस पेयर को जो है परचेस किए हुए, बट अभी ये ब्रीडिंग मोड में नहीं आ रहा है ना। इसके लिए साइज़ परफेक्ट था केज का, 1.5x1.5 का केज था, जो कि एक हॉलैंड पेयर के लिए परफेक्ट नहीं था। इसलिए मैंने सोचा इसके लिए केज की व्यवस्था करते हैं, तो मैंने केज ऑर्डर कर दिया था। थोड़ा आने में डिले हो गया है, तो केज आ गया है, उससे चलिए केज को रिसीव करते हैं और उसको जो है अनबॉक्सिंग करके असेंबल करके आपको भी दिखाते हैं कि कितना इजी होता है चाइना केज को जल्दी आप असेंबल कर सकते हो और इजी टू वे में हैंग आउट भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, पार्सल आ चुका है, कॉल आ गया है, चलते हैं पार्सल ले आते हैं, फिर जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्सल ये रिसीव हो चुका है, जो है पार्सल आ गया है। इसमें देखिए एक ही केज मंगाया है मैंने और पैकेजिंग इतने अच्छे से करी है अमेजॉन वालों ने कि इतने बड़े से कत्ते में करके इसे भेजा है ताकि केज प्रॉपर वे में सेफ रहे और केज को कुछ ना हो। ये एक छोटे भाई हमारे हैं, आप कह सकते हैं, जो कि न्यू है बर्ड्स हॉबियर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बर्ड्स का शौक़ एक साल पहले ही शुरू किया था, तो आज आए हुए थे सेटअप पे विज़िट करने, तो इनसे ही मैंने केज को जो है असेंबल करवाया, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ तो मैं या तो वीडियो बना सकता हूँ या तो केज असेंबल कर सकता हूँ। ये दोनों भाई आए हुए थे, इन्होंने ही हेल्प आउट की मेरी केज असेंबल करने में, तो इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी मदद की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इतना आसान है केज को जो है असेंबल करना। आप पहले तो इसे होल्ड करके खड़ा कर लीजिए, उसके बाद दोनों साइड से आप जो है इसे इस हुक के द्वारा लॉक कर दीजिए और नीचे इजी टू वे में ट्रे लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत भाई लोग पूछेंगे इस बर्ड के केज का साइज़ क्या है, तो मैं इसको 2x1.5x1.5 के लिए मंगाया हूँ, क्योंकि मेरा जहाँ प्लान था इसको हैंग करने का, वहाँ स्पेस बहुत ही कम था, जो कि स्पेस लगभग इतना ही था। इससे बड़ा केज अगर होता तो वो उस जगह पे लग ना पाता। तो ये देखिए, आप इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दो मेरा होगो रोमो का पेयर है ना, उसी के बगल में मेरा प्लान किया था कि इसको लगाने का। तो देखिए, ये साइज़ का केज बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है और इसमें एक बड़े साइज़ की मटकी भी मैंने हैंग आउट कर दी है। देखिए, ये मेरा पेयर रहा, इसी के जस्ट बगल में मैंने लगाया हुआ है। तो अभी मेरा प्लान क्या है कि इसमें जो मेल छोड़ूंगा उसके कुछ दिन बाद ही फीमेल छोड़ूंगा, जिससे पेयर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और जल्दी ब्रीड आने के भी चांसेस होंगे। ये चीज़ करते हुए मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है, जो वो पेयर नहीं लगता उनका तो वो इसी तरह करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मेल्स को पकड़ते हैं और मेल को उस जो है केज में छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर भाग रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेल को पकड़ने की, और पकड़ के उसके बाद जो है उस केज में इसको रिलीज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है मेल को मैंने पकड़ लिया है। आपको मेल का साइज़ दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और साइज़ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। मेल बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, इसको चलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इस केज में छोड़ दिया है और ये अब जो है जाके स्टिक पर बैठ गया है। तो अभी फ्रेंड्स, एक झुलना ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि अकेले रहेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस ना हो, इस वजह से जो है ये देखिए इसको छोड़ते ही अपने झुलने पे जो है जाकर झुलना झूलने लगा है। इससे क्या होगा, बर्ड्स को केज जगह चेंज होती है तो थोड़ा बर्ड जल्दी स्ट्रेस में ना जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ सोचा कि क्यों ना इसके लिए झुलना दे दिया जाए, ताकि ये भी हैप्पी रहेगा तो पेयर ज़्यादा जल्दी लग सकता है, चांसेस हैं। बाकी होगा क्या वो नहीं पता, मुझे भी आपको भी नहीं पता, देखेंगे जैसा भी होगा वीडियो के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। ओके, मिलते हैं।